मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके घर पर हमेशा परफेक्ट डोसा बनेगा। म्यूजिक। व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। मेरे लिए ना परफेक्ट जो डोसा होता है वो एकदम बाहर से क्रिस्प होता है, अंदर वो एक सॉफ्ट सी लेयर होती है, और वो जो परफेक्ट बैलेंस है क्रिस्पीनेस का और सॉफ्ट अंदर के लेयर का, वो डोसा को एकदम परफेक्ट बना देता है। और जब भी मैं बेंगलुरु जाता हूँ, मैं कई बार वहाँ पर बेन्ने डोसा खाता हूँ, क्योंकि उसका जो टेक्सचर है वो एकदम इसी तरीके से होता है और एकदम परफेक्ट होता है। और आज इस वीडियो में वैसा डोसा आपके घर पर आप कैसे बना सकते हो फ्रॉम स्क्रैच आपको बताने वाला हूँ। कई सारी कंप्लेंट्स होती हैं लोगों की कि डोसा का टेक्सचर बराबर नहीं आता है, डोसा तवे पर चिपक जाता है, उसको पकाना कैसे, ये सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कतें इस वीडियो में सॉल्व हो जाएंगी। परफेक्ट डोसा बनाने के लिए तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले परफेक्ट डोसा बैटर कैसे बनाते हैं, फर्मेंट करके रेशियोज क्या हैं, वो सारी चीज़ें बता दूंगा। और एक मेरी 1 मिनट डोसा बैटर की भी रेसिपी बताऊंगा, जिससे आप 1 मिनट में भी डोसा बैटर बना सकते हो जब आप जल्दी में हो। फिर उसके बाद डोसा कौन से तवे पर कुक करना चाहिए। तो डोसा पकाने के लिए आयन कुकवेयर सबसे बेस्ट होता है, लेकिन एक कंप्लेंट होती है कि आयन कुकवेयर जब भी यूज़ करते हैं तो डोसा चिपक जाता है। तो चिपके ना, उसके लिए सीजनिंग कैसे करते हैं तवे की, वो आज बताने वाला हूँ। एक नेचुरली नॉनस्टिक लेयर इसके ऊपर कैसे बनता है वो आज आपको बता दूंगा, तो आपका डोसा कभी भी चिपकेगा नहीं और परफेक्ट रिजल्ट्स आएंगे। और फिर लास्ट में डोसा को परफेक्टली स्प्रेड कैसे करना है और कुक कैसे करना है कि वो परफेक्ट टेक्सचर मिले, वो परफेक्ट बाहर से क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट टेक्सचर कैसे मिले, वो भी आज आपको बता दूंगा। और साथ ही मैं इस वीडियो के एंड में मैं जो आयन कुकवेयर यूज़ करता हूँ वो आपको गिफ्ट करने वाला हूँ, एक गिव अवे अनाउंस कर रहा हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखना। अब सबसे पहले आपको परफेक्ट डोसा बैटर कैसे बनाते हैं वो बताने वाला हूँ। और उसके पहले अगर आपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू कैन वॉच मोर सच ब्यूटीफुल रेसिपीज ऑन YFL। अब ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, परफेक्ट बैटर कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो बैटर बनाने के लिए यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास। 2 टाइप के चावल हैं, 1.5 कप यहाँ पर मोती राइस लिया है, ये एक राइस की वैरायटी है, आसानी से मार्केट में मिल जाती है। और दूसरा मैंने यहाँ पर 1/2 कप पारबॉइल्ड यानी कि उकड़ा चावल लिए, ये भी आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही में 1/2 कप गोटा उड़द लिए, ये उड़द दाल की एक वैरायटी होती है, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। साथ ही में 2 टेबलस्पून पोहा लिया, ये स्पॉन्जीनेस ऐड करता है बैटर में। और 1 टीस्पून मेथी दाना लिया है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में मदद करता है। अब एक बड़े से बोल में दोनों चावल और दाल ऐड कर दीजिए, खूब सारा पानी ऐड कीजिए और अच्छे से आपको दाल और चावल को धो लेना है। या आप देख सकते हो कि पानी जो है वो क्लाउडी हो जाएगा, इसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो लेना है जब तक कि पानी क्लियर हो जाता है। तो दाल और चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है, अभी इसमें खूब सारा पानी ऐड कर दीजिए, साथ ही में जो मेथी दाना है और पोहा है वो भी ऐड कर दीजिए। एक ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए और इसको भी 4 से 5 घंटे तक आपको सोक करने रख देना है। 4 से 5 घंटे बाद आप देखेंगे दाल और चावल अच्छे से सोक हो जाएंगे, फूल जाएंगे। इस स्टेज पर ये जो पानी है इसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। एक बार आपने पानी डिस्कार्ड कर लिया है तो बैटर को भी पीस लेना है। तो मिक्सर ग्राइंडर की जितनी कैपेसिटी हो उस हिसाब से आप उसके अंदर भिगोए दाल और चावल ऐड कर दीजिए। साथ ही में ग्राइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, 1 कप यहाँ पर चिल्ड पानी लिया है, 1 से 1.25 कप पानी टोटल ये बैटर ग्राइंड करने में लग जाता है। तो थोड़ा पानी ऐड कीजिए और फिर इस बैटर को आपको पीस लेना है। बैटर को पीसते समय पल्स मोड का इस्तेमाल कीजिए कि मिक्सी को आप बंद चालू करें, कि आपका जो बैटर है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हीट नहीं होना चाहिए। इसके लिए पानी भी हमने चिल्ड यूज़ किया है। इसको एक फाइन पेस्ट में आपको पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने बैटर को पीस लिया है, आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसको जब भी आप हाथ में इस तरीके से मसलेंगे तो आपको ऐसे लगेगा इसमें बारीक रवा ऐड किया हुआ है, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दरदरा नहीं होना चाहिए, एकदम फाइन बैटर आपको बना लेना है। इस बैटर को भी एक बड़े से बर्तन के अंदर आपको ट्रांसफ़र कर देना है और बाकी के भी बैटर को सेम तरीके से पीस लेना है। ये बैटर को पीसने के लिए मैंने 1 कप और 1/3 कप और पानी जिसके अंदर ऐड किया था उतना टोटल पानी मैंने यूज़ किया है। अब इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून नमक और 1/2 टेबलस्पून शक्कर ऐड करनी है। शक्कर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा क्यों। इस बैटर को अभी अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए आपको फेंट लेना है, नमक और चीनी को अच्छे से मिला लेना है। जो चीनी हमने ऐड की है उससे वो ब्राउन कलर, जो डोसे के ऊपर आप ब्राउन कलर देखते हैं वो ब्राउन कलर चीनी की वजह से बहुत अच्छा आता है। तो चीनी को बिल्कुल भी आप स्किप आउट मत करना, ज़रूर ऐड कीजिए, वो ब्राउन कलर बहुत बढ़िया सा आएगा। अब बैटर को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो एक बड़ा सा बर्तन लिया है, क्योंकि जब ये बैटर फर्मेंट होगा तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा यहाँ तक, तो एक बड़ा बर्तन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बैटर बाहर आ जाता है।
अब इसे ढककर एक वार्म जगह पर फर्मेंट करने के लिए रख दीजिए लगभग 8 से 10 घंटों के लिए। एक बार बैटर फर्मेंट हो जाए तो ये डबल हो जाएगा। ये देख सकते हो ये कैसे उड़ गया है, इसके अंदर एक जाला बन जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो इसके अंदर कैसे जाला बन चुका है, हवा इनकॉर्पोरेट हो गई है इसके अंदर और एक फर्मेंटेशन वाली खुशबू इसमें से आ रही है। इसको भी अच्छे से आपको मिक्स करके सेटल कर लेना है कि एक समान एक बैटर आपका दिखे। तो आप देख सकते हो अच्छे से मिक्स करने के बाद कैसे आपका बैटर दिख रहा है, ऐसे ही दिखना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी यहाँ पर चेक कर लेनी है। बैटर यहाँ पर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पतला करने वाला हूँ। तो हल्का सा पानी ऐड कीजिए, अच्छे से स्टर कीजिए और एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर आपको तैयार कर लेना है। ये आप देख सकते हो पानी ऐड करके मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ऐसी ही कंसिस्टेंसी इसकी रहनी चाहिए। लगभग 3-4 चम्मच मैंने पानी और यहाँ पर ऐड किया है और हमारा परफेक्ट डोसा बैटर रेडी हो गया। तो परफेक्ट डोसा बनाने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। परफेक्ट डोसा बैटर हमने बना लिया है। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, बट प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक्टिव टाइम सिर्फ 10 मिनट का होता है। इसमें सिर्फ दाल और चावल सोक करने, उसके बाद ग्राइंड करना है और छोड़ देना है इसको अपने आप फर्मेंट होने के लिए। तो आपको करना कुछ नहीं, अपने आप ही सारा प्रोसेस होता है। तो बहुत सिंपल है ये डोसा बैटर घर पर बनाना। एक बार बनाकर देखिए अगर पहले आपने डोसा बैटर अपने घर पर नहीं बनाया है तो। अब एक बार ये फर्मेंटेशन हो जाए, लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं गर्मी के मौसम में, और ठंड का मौसम है तो 12 से 13 घंटे लग जाएंगे लगभग। तो उतने समय के लिए छोड़ना है। जैसे अगर आपको डोसा अगले दिन बनाना है तो शाम में आप दाल और चावल को भिगो लीजिए, रात को ग्राइंड कर दीजिए और फर्मेंट होने छोड़ दीजिए। सुबह जब आप उठोगे तो ब्रेकफास्ट के लिए आपका डोसा बैटर रेडी होगा डोसा बनाने के लिए। इतना सिंपल प्रोसेस है। इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको बताए मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं वही यूज़ करने, रेशियोज़ आपने सेम फॉलो करने। इतने जो क्वांटिटी हमने आज यूज़ किए इससे लगभग 8-9 डोसास आराम से बन जाते हैं मीडियम साइज़ के। ज़्यादा बनाना है तो क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया और आप देखेंगे कि एकदम परफेक्ट डोसा इसके साथ बाद में बनेगा। अब जिन लोगों को कभी कभी टाइम नहीं होता है और ऐसा है कि आपको डोसा बनाना ही है तो झटपट एकदम फटाफट भी डोसा आप बना सकते हो। मैं हमेशा ये रेकमेंड करता हूँ कि फर्मेंटेशन प्रोसेस वाला ही बैटर बनाओ, क्योंकि फर्मेंटेशन से ना एक तो गुड बैक्टीरिया आ जाता है बैटर में, इसे डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है, अच्छी वो एक स्पॉन्जीनेस आ जाती है नेचुरली, और फर्मेंटेशन की वजह से वो एक फ्लेवर प्रोफाइल ऐड हो जाता है जो डोसा में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कभी टाइम नहीं है तो एक झटपट वाला भी डोसा बैटर है मेरा, 1 मिनट डोसा बैटर, जो 1 मिनट के अंदर रेडी हो जाता है और उससे भी बहुत अच्छा डोसा बनता है। तो कभी कभार जब आपके पास टाइम नहीं हो तो ये वाला डोसा बैटर बना सकते हो। ये वाला डोसा बैटर झटपट कैसे बनता है वो देख लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडर जार में आधा कप बारीक रवा, आधा कप चावल का आटा, 1 टीस्पून पिसी हुई शक्कर, 1 टीस्पून नमक, 1 कप दही और 2 टेबलस्पून पानी ऐड करके एक फाइन बैटर में इसे पीस लेना। आप देख सकते हो मैंने बैटर को पीस लिया है। इसे एक बड़े से बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब इसके अंदर 1 चुटकी बेकिंग सोडा ऐड करना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो सिर्फ 1 मिनट में हमारा इंस्टेंट डोसा बैटर रेडी हो गया। तो इंस्टेंट बैटर आपने देखा कितना आसान है बनाना। सारी चीज़ें मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दी, पीस लिया और बैटर रेडी, और इमिजिएटली इसके साथ आप डोसा बना सकते हो। कुकिंग प्रोसेस जो है सिमिलर रहेगा दोनों बैटर्स का, वो हम आगे देख लेंगे। उसके पहले जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है परफेक्ट डोसा बनाने के लिए कि डोसा कौन से तवे के ऊपर पकाना चाहिए। अब ट्रेडिशनली डोसा जो है वो आयन कुकवेयर पे ही पकाया जाता है और इस पर सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। जो आयन का लोहे का तवा होता है उसके ऊपर बेस्ट डोसा बनता है। अब कई लोगों ने डोसा तवा आयन का यूज़ किया होगा पहले, और मुझे कई सारे कमेंट्स और डीएम्स आते रहते हैं कि हम लोहे का तवा यूज़ कर रहे हैं और डोसा उस पर चिपक गया है, डोसा निकलता ही नहीं है। उसका कारण ये होता है कि उस पर सीजनिंग नहीं की होती है अच्छी तरीके से। सीजनिंग क्या होती है मैं फटाफट बता देता हूँ। एक पतला सा लेयर ऑयल का लगाया जाता है तवे के ऊपर, उसको एकदम गर्म करते हैं और फिर ठंडा कर लेते हैं, और ये प्रोसेस को 3-4 बार किया जाता है। उसके बाद एक पंजेंट इन्ग्रीडियंट जैसे प्याज को जला लेते हैं और एक नेचुरली नॉनस्टिक लेयर जो है वो बन जाती है आपके तवे के ऊपर, और फिर उसके बाद जब आप उसके ऊपर कुछ भी पकाओगे तो वो चिपकेगा नहीं। अब ये जो प्रोसेस है एकदम आसान होता है करना। अब मैं जो आयन कुकवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो मिल्टन प्रोकुक आयन कुकवेयर है जो अब रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मिल्टन एक ऐसा ब्रांड है जिसे हम सालों से ट्रस्ट करते हैं अच्छी क्वालिटी के लिए, और उनका कुकवेयर रेंज भी वैसी हाई क्वालिटी बेस्ट फूड ग्रेड मटेरियल से बनाए जाते हैं। और इस आयन कुकवेयर रेंज की सबसे बेस्ट बात यह है कि ये पहले से ही प्री सीजन आते हैं, तो आपको इसे सीजन करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आपने लिया और इस पर आप डायरेक्टली कुक कर सकते हैं।
नेचुरल नॉनस्टिक लेयर एकदम टॉक्सिन और केमिकल फ्री होता है। इनफैक्ट आपके खाने में आयन के न्यूट्रिएंट्स नेचुरली इन्फ्यूज होते हैं। अनलाइक कास्ट आयन कुकवेयर, ये काफ़ी लाइट वेट होता है क्योंकि ये आयन शीट से बनाया जाता है, इसलिए इसे हैंडल करना काफ़ी आसान होता है। अब ये जो आयन कुकवेयर है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी होता है क्योंकि एक बार इसकी सीजनिंग वेयर ऑफ भी हो जाती है, निकल भी जाती है, तो इसे आप रीसीजन कर सकते हो और ये फिर से एकदम ब्रांड न्यू कुकवेयर जैसा हो जाएगा और इसे आप सालों साल के लिए यूज़ कर सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है इस कुकवेयर के बारे में। रीसीजनिंग का जो प्रोसेस है वो भी एकदम आसान है। थोड़ा सा टेक्निकल साउंड कर रहा होगा बट मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि अगर इस पर कुछ चीज़ें चिपकना शुरू हो जाएँ तो इसको रीसीजन कैसे किया जाता है। इसे फिर से रीसीजन करने से पहले इसको हल्का सा आपको धो लेना है, स्टील वूल मत यूज़ कीजिए, एकदम माइल्डली इसको धो लीजिए। धोने के बाद इसको आपको अच्छे से पोंछ लेना है। पोंछने के बाद इसको फर्दर सुखाने के लिए गैस के ऊपर 10-15 सेकंड के लिए रख दीजिए कि अच्छे से सूख जाए। एक बार ये सूख जाए गैस को बंद कर देना है। उसके बाद इसके ऊपर आपको एक हल्का सा लेयर तेल का लगाना है, कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हो। तेल ऐड करके यहाँ पर एक कपड़ा लिया है मैंने, कपड़ा ऐसा लेना है जिसका रेशा नहीं निकले, तो मैं मलमल का कपड़ा यूज़ करता हूँ। एकदम पतला सा लेयर आपको तेल का लगा देना है। एक बार आप इसके ऊपर तेल लगा दोगे, तेल दिखना भी नहीं चाहिए, इतना पतला लेयर आपको तेल का लगाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार तेल का ऐसा लेयर आपने लगा दिया, आप देख सकते हो, उसके बाद गैस को मीडियम फ्लेम पर आपको शुरू कर देना है। गैस चालू करने के बाद इसे अच्छे से गर्म होने देना है जब तक कि तवे से धुआं निकलना शुरू हो जाए। आप जब देखेंगे इस पर धुआं निकलना शुरू हो जाएगा तब आपको गैस को बंद कर देना है और इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लेना है। तो इस सीजनिंग का प्रोसेस आपने देखा एकदम आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा प्रोसेस। पतला लेयर ऑयल का, गरम किया, ठंडा किया, सीजनिंग हो गई। इस प्रोसेस को सिर्फ 2-3 बार आपको रिपीट करना है। एक बार आपका तवा ठंडा हो जाए तो प्रोसेस को 2-3 बार रिपीट कर लीजिए कि वो सीजनिंग की जो लेयर है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाए, तो इस पर जब आप खाना पकाओगे तो ईजिली जो सीजनिंग है वो वेयर ऑफ नहीं होगी। तो 2-3 बार ये प्रोसेस को रिपीट कर लीजिए। उसके बाद इसके ऊपर हमको प्याज को जलाना है, वो प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। पैन को गैस पर रख के गैस को शुरू कर दीजिए। पैन थोड़ा सा गर्म हो जाए तब इस पर हल्का सा तेल ऐड कीजिए, वैसे ही वेजिटेबल ऑयल मैंने ऐड किया है। अब इसके अंदर स्लाइस किया हुआ प्याज आपको ऐसे ऐड कर देना है। प्याज ऐड करने के बाद थोड़ा स्टर करके इसको फैला लेना है। फैला कर मीडियम हाई फ्लेम पर प्याज को आपको पकाना है और जलाना है। तो एक बार आपने स्प्रेड किया, हल्का सा प्याज आपका पक गया, उसके बाद फिर से स्टर कीजिए और फिर से इसको जलाइए। प्याज को अच्छे से इसको जलाना है प्याज को इसके ऊपर। एक बार प्याज आपका ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसको स्टर करते हुए ऐसे इस तवे के ऊपर पकाना है। इससे होगा क्या, आपकी सीजनिंग की जो लेयर है और नॉनस्टिक हो जाएगी। तो ये बेस्ट तरीका होता है इसे सीजन करने का। वैसे तो सीजनिंग के कई तरीके होते हैं, ये प्रोसेस जो है वो मैं प्रेफर करता हूँ और एकदम परफेक्ट सीजनिंग होती है। एक बार प्याज इस तरीके से जल जाए, प्याज को आपको डिस्कार्ड कर देना है। प्याज को डिस्कार्ड करने के बाद हल्का सा पानी का छींटा इसके ऊपर मारना है और आपको तवे को वाइप कर लेना है। तवा एक बार आपने वाइप कर लिया, आपका तवा फिर से सीजन हो चुका है और फिर से इसके ऊपर आप कुछ भी पका सकते हो। डोसा बनाने के लिए ये एकदम तैयार है। तो ये भी स्टेप आपने देखा एकदम आसान है और आपका जो तवा है वो एकदम नेचुरली नॉनस्टिक हो जाएगा। अब आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये प्रोसेस आपको बार बार हमेशा नहीं करना है डोसा बनाने से पहले। एक बार आपने सीजनिंग कर ली उसके बाद सालों साल ये सीजनिंग ऐसे ही रहती है। इनफैक्ट जब आप बार बार इस पर पकाओगे तो सीजनिंग का लेयर और स्ट्रांग हो जाता है। सिर्फ इसका ध्यान रखना है, ध्यान रखना बहुत सिंपल है। जैसे ही इसके ऊपर आप कुछ भी पकाओगे एकदम माइल्ड सोपी वाटर से इसको धोना है, बहुत ज़्यादा घिसना नहीं है। धो लेना है एकदम सिंपल तरीके से, पोंछ लेना है और गैस के ऊपर 10-15 सेकंड के लिए सुखा लेना है। सुखाने के बाद एक पतला सा लेयर वेजिटेबल ऑयल का लगा दीजिए अच्छी तरीके से, ऊपर भी और नीचे भी लगा देना है, सारी तरफ लगा देना है ताकि आपका आयन कुकवेयर रश ना हो और सालों साल तक आपकी सीजनिंग भी अच्छे से टिकी रहे। एंड देन यू कैन एन्जॉय हेल्दी कुकिंग ऑन टॉक्सिन फ्री नेचुरली नॉनस्टिक कुकवेयर। मिल्टन प्रोकुक आयन कुकवेयर रेंज में डोसा तवा के अलावा आपको फ्राई पैन, कढ़ाई और रोटी तवा का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसे आप अपने डेली कुकिंग में यूज़ कर सकते हो। तो सब्जियां बना लो कढ़ाई के अंदर, फ्राई पैन में एग प्रिपरेशंस कर लो, डोसा बना लो डोसा तवा पे, या रोटियां या भाकरी पका लो रोटी के तवे के ऊपर। विद मिल्टन प्रोकुक यू कैन कुक हेल्दी एंड यू कैन कुक लाइक अ प्रो। चेक आउट द कंप्लीट रेंज बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और विजिट योर नियरेस्ट स्टोर। और इस वीडियो के एंड में इसी मिल्टन प्रोकुक कुकवेयर रेंज से मैं आपको कुछ गिफ्ट करने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। अब नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि डोसा को अच्छे से स्प्रेड कैसे करना है और इसको पकाना कैसा है वो देख लेंगे। सबसे पहले जो इंस्टेंट बैटर बनाया था उससे डोसा बनाकर
देख लेते हैं। डोसा पकाने के लिए तवे को हमको अच्छे से गर्म कर लेना है। ठंडे तवे पर कभी भी डोसा नहीं बनता है, इसको नोट कीजिए। गर्म होना चाहिए आपका तवा अच्छे से। एक बार तवा गर्म हो जाए उसके बाद उसको चेक करने के लिए कि गर्म कितना हुआ है, पानी का एक छींटा मारिए। पानी अच्छे से ऐसे सिजिल होना चाहिए, यानी कि डोसा का तवा गर्म हो गया है। इसको पोंछ लेना अच्छे से, टेम्परेचर भी जो है डोसा तवा का वो यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। अब फ्लेम को मीडियम पे रखते हुए बीचों बीच आपको एक करछी भर के डोसा का बैटर ऐड कर देना है और इसको बस ऐसे 2-3 राउंड घुमाकर फैला लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, ये आप देख सकते हो मैंने इसको कैसे स्प्रेड किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे भी और आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। थोड़ा सा आपका डोसा सेट हो जाए उसके बाद इसके ऊपर मेल्टेड घी ऐड करना है। घी ऐड करके अच्छे से इसको स्प्रेड कर लीजिए। उसके बाद मीडियम फ्लेम या मीडियम लो फ्लेम पर अच्छे से एक साइड से डोसा आपका ब्राउन हो जाए तब तक पका लेना है। एक बार ये एक तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाए उसके बाद आपको डोसा को निकाल लेना है तवे से। आप देख सकते हो कितने आसानी से डोसा जो है तवे से छूट गया है, ये वो परफेक्ट प्री सीजनिंग की वजह से। बस डोसा निकाल लिया, इसको फोल्ड कर लीजिए और ये आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट डोसा हमारा रेडी हो गया है। इसका टेक्सचर भी आपको दिखा देता हूँ। बाहर से आप देख सकते हो एकदम इवन अच्छी ब्राउनिंग हुई है, एकदम क्रिस्प बना है बाहर से। अंदर से आप जब देखोगे वो बीच बीच में आपके वो स्पंजी वाले लेयर्स भी हैं, ये आप देख सकते हो। बाहर से एकदम क्रिस्प और अंदर से एकदम स्पंजी, ऐसा ही डोसा आपका बनना चाहिए। तो आपने देखा डोसा कितना परफेक्ट बना है, बाहर से एकदम क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट। और ये तो इंस्टेंट वाला बैटर हमने यूज़ किया है, आप सोचो कि फर्मेंटेड वाले बैटर से क्या बढ़िया रिजल्ट आएंगे। और साथ ही में आपने देखा कि डोसा कितने आसानी से तवे से निकल गया। इसका मेन रीज़न है जो मिल्टन प्रोकुक का ये डोसा तवा है उसके ऊपर जो प्री सीजनिंग की गई है उसकी वजह से डोसा बिल्कुल चिपकता नहीं है आपके तवे के ऊपर। बाकी सीजनिंग का प्रोसेस तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब जो स्प्रेडिंग का मैं आपको बता रहा था कि मैंने 2-3 राउंड घुमा के खाली इसको स्प्रेड किया डोसे को, इसका जो मेन रीज़न है कि हमको वो रिंग्स चाहिए होती है थिक लेयर ऑफ बैटर की। तो बीच बीच में आप देखोगे कि डोसा पतला होगा और बीच बीच में मोटा रह जाएगा। वो जब मोटा रहेगा तो उससे वो स्पंजी लेयर बनता है। तो ये स्प्रेडिंग की जो टेक्निक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे जब हम अभी फर्मेंटेड बैटर को यूज़ करेंगे मैं फिर से आपको दिखा दूंगा ये स्प्रेडिंग टेक्निक, और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इसको जब हम एकदम चपटा फैलाएंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको एक डिफरेंस भी पता चल जाएगा। और इसी बैटर से एकदम खाली क्रिस्प वाला भी डोसा आप बना सकते हो जो हमने फर्मेंट करके रखा है। अब फर्मेंटेड बैटर से वो परफेक्ट डोसा कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो डोसा तवा को वैसे ही गर्म कर लेना है। आपको एक टिप दे रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा तेल डाल करना, एक प्याज को कट करके ऐसे फोक पे लगा दीजिए। इस तेल को आपको अप्लाई करना है इस प्याज से, इससे आप एकदम सेफ हो जाओगे, डोसा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। उसके बाद एक पानी का छींटा मारा, इसको पोंछ लिया। पोंछने के बाद फ्लेम आपकी मीडियम पे, बीचों बीच एक करछी भर के बैटर ऐड कर दीजिए, ये फर्मेंटेड वाला बैटर है। और बस आप देख सकते हो कैसे 2-3 बार इसको राउंड घुमाकर बीच बीच में पतला डोसा, बीच बीच में वो मोटी रिंग्स, ऐसे आपको इसे फैला लेना है। फैलाकर डोसा आपका सेट हो जाए उसके बाद इसके ऊपर मेल्टेड घी डालना है। घी डालकर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। स्प्रेड करने के बाद वैसे ही एक तरफ से अच्छे से ब्राउन हो जाए, क्रिस्प हो जाए, तब तक इसको मीडियम लो फ्लेम पर पका लेना है। ये आप देख सकते हो कि वो स्पॉन्जी वाले पार्ट पे कैसे पोर्स आ गए हैं, ये मॉइस्चर की वजह से। और जब उसे हीट लगती है तो पानी एस्केप होता है और ये पोर्स बनते हैं और एकदम स्पॉन्जी हमारा डोसा ऊपर से बनता है। एक बार डोसा को आपने अच्छे से पका लिया है इसको केयरफुली निकाल लीजिए। ये आप देख सकते हो कितनी आसानी से ये छूट गया है तवे से। इसको फोल्ड कर लीजिए, क्या बढ़िया टेक्सचर आ गया है और ये हमारा डोसा रेडी हो गया है। इसके टेक्सचर्स अभी चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो बाहर से एकदम इवन एकदम परफेक्ट ब्राउन कलर आया है। वो चीनी जो हमने ऐड की थी वो यहाँ पर हेल्प करती है और एकदम क्रिस्प बाहर का लेयर है। अंदर का लेयर चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो कैसे बबल्स आ गए हैं और कैसे स्पॉन्जी टेक्सचर आ गया है। बाहर से आप देखो एकदम क्रिस्प, अंदर से एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर। ये लेयर निकाल के आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा ये सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर यहाँ पर आया है और परफेक्ट रिजल्ट्स आए हैं। आपने देखा कितने परफेक्ट रिजल्ट्स आए हैं, जैसे हमको डोसा बनाना था। बाहर से एकदम क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट और स्पॉन्जी। और इसके कई सारे रीजंस हैं, जो हमने बैटर बनाया परफेक्टली, उसमें मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाया, उसकी वजह से वो पोर्स आ जाते हैं और वो मॉइस्चर एस्केप होता है। साथ ही में जो स्प्रेडिंग की टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, दूसरी बार बता रहा हूँ कि
उसको आपको दो तीन राउंड ही सिर्फ घुमाने, वो बीच बीच में पतला रहना चाहिए डोसा और बीच बीच में वो थिक लेयर रहना चाहिए बैटर का, उससे वो स्पॉन्जी लेयर बनेगा जो आप देख सकते हो। वो स्पॉन्जी लेयर उसी की वजह से बना है, क्योंकि स्प्रेडिंग टेक्निक भी अगर आपने खाली चेंज कर दी तो रिजल्ट एकदम डिफरेंट आता है। और वही मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि इसको जब हम चपटे तरीके से एकदम फ्लैट तरीके से जब स्प्रेड करेंगे तो एकदम क्रिस्प डोसा खाली बनता है, वो अंदर का सॉफ्ट लेयर नहीं आता है। वो भी आपको अभी करके दिखा देता हूँ तो आपको एक्चुअल डिफरेंस जो है वो पता लग जाएगा। तो सेम प्रोसेस है, तवे को रेडी कर लीजिए, उसके बाद बीचों बीच आपको बैटर ऐड कर देना है। अब आप देख सकते हो कि मैं दो तीन राउंड्स नहीं, ऐसे बार बार इसको जैसे रेगुलर डोसा हम स्प्रेड करते हैं वैसे स्प्रेड कर रहा हूँ एकदम फ्लैट तरीके से। आप देख सकते हो ऐसे बड़ा सा डोसा बना लिया मैंने और इसमें अभी वो बीच बीच में रिंग्स नहीं दिख रही है, वो अंड्यूलेशन नहीं है, एकदम फ्लैट है हमारा डोसा। अब डोसा एक बार सेट हो जाए, सेम प्रोसेस, घी ऐड किया, अच्छे से पका लिया जब तक कि एक तरफ से ब्राउन हो जाए। अब इसको आपको निकाल लेना है, डोसा हमारा आसानी से छूट गया है, इसको फोल्ड कर लो और ये हमारा क्रिस्प वाला डोसा रेडी हो गया। इसका भी टेक्सचर चेक कर लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि आप देख सकते हो कितना पतला यहाँ पर क्रिस्प डोसा बना है और जब ये अंदर से आप देखोगे तो स्पॉन्जी लेयर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये डिफरेंस आ जाता है स्प्रेड करने के तरीके से। इसको तोड़ के दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो कितना क्रिस्प और एकदम कुरकुरा डोसा बना है सेम बैटर को यूज़ करके। तो आपने देखा बैटर सेम, तवा सेम, कुकिंग प्रोसेस भी सेम, खाली स्प्रेड करने के तरीके से कितना डिफरेंस आ जाता है। जब भी हमने इसको एकदम फ्लैट तरीके से स्प्रेड किया है तो एकदम क्रिस्प डोसा बनता है इस तरीके से। तो आप तो दोनों बना सकते हो, मुझे पर्सनली बाहर से एकदम क्रिस्प अंदर से सॉफ्ट वाला डोसा पसंद आता है। और वैसे हमने आज बना लिया, आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि डोसा आपको बनाना कैसे घर पे। अब डोसा मैंने तो बना लिया है, जब भी मैं बेंगलुरु जाता हूँ तभी बेन्ने डोसा वहाँ पर खाता हूँ। बेन्ने यानी कि बटर, ऊपर से वाइट मक्खन डाला जाता है और वही डोसा के टेक्सचर्स इन्जॉय करते हैं, विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट जॉयज ऑफ योर लाइफ। अगर आपने नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई करना है। अब मैंने वो बना लिया है, वाइट मक्खन रेडी है, सांभर रेडी है, चटनी रेडी है। अब इस डोसा को हम प्लेट कर लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं वाईफल स्टाइल। Wish that I could stay, wish for this moment to never go away, but it's all in my mind, and though I know that there is nothing to find, you're a beautiful sight in the summer night, and you can't put up a fight in the misty light. मज़ा आ गया आज ये परफेक्ट डोसा बनाकर और खाकर, और आपके साथ सारी चीज़ें भी शेयर कर दी हैं, ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स हैव बीन शेयर्ड। तो आज के बाद आपने अगर ये वीडियो पूरा देखा है एकदम ध्यान से तो आपके घर पे परफेक्ट डोसा बनेगा और आप सभी को बहुत मज़ा आएगा ये डोसा खाने में। अब आ जाते हैं और एक एक्साइटिंग पार्ट पे, जो है आज का गिव अवे। तो गिव अवे में आज तीन लकी विनर्स होने वाले हैं और इन तीन लकी विनर्स को मैं मिल्टन प्रोकुक आयन कुकवेयर रेंज में से कुछ गिफ्ट करने वाला हूँ। और इस गिवे में पार्ट लेना बहुत आसान है, बस तीन सिंपल से स्टेप्स हैं। स्टेप वन, आपको YFL और मिल्टन प्रोकुक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशनड है। स्टेप टू, इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। और स्टेप थ्री, आपको इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करना है कि अगर आप ये मिल्टन प्रोकुक आयन कुकवेयर को जीत जाओगे तो इसमें आप सबसे पहले चीज़ क्या बनाओगे। बस ये तीन सिंपल से स्टेप्स हैं, स्टेप्स फटाफट कर लो। गिव अवे की एंट्रीज 10 दिन तक आज से ओपन है, आप सिर्फ इंडिया से इस गिव अवे में पार्ट ले सकते हो। मैं विनिंग कमेंट्स को रिप्लाई करके विनर्स को अनाउंस कर दूंगा, सो कीप एन आई फॉर दैट। तब तक ये डोसा की रेसिपी अपने घर पर ट्राई कीजिए, एकदम परफेक्ट डोसास को एंजॉय कीजिए। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल रेसिपी एट योर होम. Cheers.